जाति कौन सा है, क्योंकि आजकल जाति बड़ा पूछा जा रहा है, सुना रहे हैं। ये बताइए कि ये याद है कि नहीं आपको कोड? कैसे कोड? कोड बताइए जल्दी, रात में सौ सुनार के तो एक लोहार के। सौ सुनार के थोड़े लिखिएगा, वहाँ तो कोड ना लिखिएगा। सरकार को क्या बोले, जो है वो अपना दुनिया मस्त है, अपना दुनिया मस्त है। वोट देते हैं कि नहीं? नहीं अभी वोट नहीं देते हम, बस जॉब करते हैं और क्या, मतलब कि इतना कमा लेते हैं जितना बार मतलब मेरा गुजारा हो जाए। माँ बाप क्या करते हैं? मेरे फादर नहीं है, नहीं। क्योंकि यार बिना मतलब के आदमी रास्ता चल रहा है उसको पकड़ के लेके चले चला जा रहा है ना, बिना तारीफ पीता है ना, गुटखा खाता है ना, कुछ करता है उसको पकड़ के आदमी पकड़ा है क्या? नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए रात के रिपोर्टर में आपका स्वागत है। अटल पथ पर हम मौजूद हैं और एक शख्स हैं जो हाथ में मुझे लग रहा है कुछ कैडबरी लेके जा रहे हैं। ये देखिए कैडबरी लेके जा रहे हैं और पैदल बैग लेके जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? हमारे मैं ड्यूटी से आ रहे हैं। ड्यूटी से आ रहे हैं, क्या ड्यूटी करते हैं और नाम क्या हुआ आपका? ज्वेलरी का काम करते हैं। मेरा नाम चलते चलते बात करेंगे। हाँ, क्या काम करते हैं? ज्वेलरी का काम करते हैं। मेरा नाम नीरज कुमार है। नीरज कुमार है? हाँ जी। कितना उम्र हो रहा है? मेरा 25। 25? तो ये बताइए कि कमाते क्या है, क्या करते हैं 25 साल की उम्र में? बस जॉब करते हैं और क्या, मतलब कि इतना कमा लेते जितना बार मतलब मेरा गुजारा हो जाए। माँ बाप क्या करते हैं? मेरे फादर नहीं है। नहीं, मतलब कि डेथ कैसे हो गया? बस उनका कुछ प्रॉब्लम था, बीमारी वजह से इस पर डेथ कर गया। आप कितने साल के थे उस समय? उस समय करीब वही 7 ईयर से हमें। साल के? याद आता है कि नहीं? क्यों नहीं आएगा बॉस? पिता है याद तो। माता जी क्या करती हैं? हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ, तो आप अकेले चलाते हैं घर? हाँ हाँ, मैं हम दो और भाई हैं मेरे। आप तीन भाई हैं? तीन भाई हैं। और बहन? बहन हम लोग चार हैं। बहन चार हैं, तीन भाई चार बहन, यानी टोटल सात। एंड मम्मी को मिला के आठ। आठ, आठ फैमिली में सारे लोग कमाते हैं या बस आप? नहीं नहीं सर, मेरे चार सिस्टर का तो मैरिड हो गया है ना, मैरिड है, और बाकी तीन भाई हैं, दो मैरिड है, हम है, सिंगल है अभी है ना, बाकी सिंगल है, शादी करना है। हाँ। जाति कौन सा है, क्योंकि आजकल जाति बड़ा पूछा जा रहा है, सुना रहे हैं। ये बताइए कि ये याद है कि नहीं आपको कोड? कैसे कोड? कोड बताइए जल्दी, रात में, रात में हम पूछ रहे हैं आपसे कोड। कोड बताइए अपना। कीजिएगा कोड, आप सुना रहे हैं? कोड बताइए। किसी का कोड पूछिए? आप बोलिए कि कोड आपको नहीं मालूम है। नहीं मालूम है कोड आपको? नहीं मालूम है? सच बोलिए। नहीं मालूम। दिल पर हाथ रखिए, बोले कि कोड नहीं मालूम है। झूठ बोल रहे हैं। अरे नहीं मालूम है बॉस। कोड नहीं मालूम है? नहीं। कि यादव का 165, ब्राह्मण का 126, ऐसा किसी को नहीं, आपको कोड ही नहीं मालूम है? नहीं। हाँ, एक पता है, सौ सुनार के तो एक लोहार के। तो सौ सुनार के थोड़े लिखिएगा, वहाँ तो कोड ना लिखिएगा। गुटखा खाते हैं खाली, थूक रहे हैं। गुटखा नहीं बॉस। तो क्या? इलायची? इलायची है। चलिए ये बताइए कि कोड आपको नहीं मालूम, कोई जानकारी नहीं दिया? नहीं, कोड नहीं। है 15 तारीख से जाति जनगणना होगा तो पूछा जाएगा कि आपका कोड है, बताइए क्या है? एक नहीं, है नहीं। दो है, तीन है, चार नहीं है? भाई हमको नहीं पता। नहीं पता? नहीं। तो ये बताइए कि दिक्कत होता है कि नहीं आपको? दिक्कत होता है हर फैमिली, मतलब हर मतलब यहाँ से जितना भी जाती है सिटी में लोग सबको दिक्कत होता है। और जाति जनगणना को क्या लेके बोलेंगे, सही हो रहा है गलत हो रहा है? जो हो रहा है भाई सब सही है। सरकार 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 को क्या बोलिएगा? सरकार को क्या बोले, जो है वो अपना दुनिया मस्त है, अपना दुनिया मस्त है। वोट देते हैं कि नहीं? नहीं अभी वोट नहीं देते हम। क्यों? क्योंकि मैंने बोले टिकट बना ही नहीं ना। बनाया ही नहीं? बनाया ही नहीं अभी। कोई रहे आपको कोई मतलब है नहीं है? देख ऐसा कैसे मतलब नहीं है, मतलब कौन रहेगा तो बिहार आगे बढ़ेगा? एकदम सच बोलिएगा, नौजवान है, 25 साल के हैं, बताइए कि कौन रहेगा तो बिहार आगे बढ़ेगा? देखो भाई ये सब के बारे में लिख ना हो तो ही बैठा रहा ठीक ना। कोई ना रहे तो ठीक है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इस सब के मैटर में हमसे ना पूछो तो ही बैठा रहा ठीक ना। गुस्सा आ जाता है? हाँ, जो है वो है, गुस्सा आ जाता है ना, जो है सब सही है। गुस्सा आ जाता है ना जब सरकार के बारे में पूछते हैं, जो है सब सही है। चूंकि यार बिना मतलब के आदमी रास्ता चल रहा है उसको पकड़ के लेके चला जा रहा है ना, बिना तारीफ पीता है ना, गुटखा खाता है ना, कुछ करता उसको भी पकड़ के आदमी लेके चला जा रहा है। हम नहीं पकड़ाया, मेरा भाई पकड़ाया है ना, अपना भाई। वो ड्रिंक में ड्रिंक किए हुए थे ठीक है, वो सही किया ड्रिंक में, पकड़ाया। शराबबंदी में दारू पियेंगे तो ले ही ना जाएंगे ठीक है, ड्रिंक में पकड़ाया ठीक ना, लेकिन आखिर ड्रिंक में ना उसको डालना चाहिए, उसमें पता रिकवरी में केस ठोक दिया यार। हाँ, एक लड़का था समस्तीपुर से आ रहा था, वो मतलब कि दिल्ली में आपका मतलब दिल्ली का ट्रेन था उसका, पटना जंक्शन बोल रहा, उसको टांग के लेकर चल गया है ना, जो कि वो टिकट दिखा रहा फिर भी वो नहीं सुन रहा। मतलब आपका कहना है कि सरकार के जितने भी लोग हैं वो कुछ भी करते हैं? कुछ भी क्या मतलब, ये तो बाइक गलत है ना। ये तो मेहनत करते हैं, हर चीज़ करते हैं, बस हम ही लोग क्या, अभी हम लोग ड्यूटी छोटे हम लोग जा रहे घर, अब यहाँ पर टांग के लेकर चल जाएगा है ना, हम लोग फैमिली को क्या पता क्या हो रहा है, सब क्या नहीं हो रहा बताए, कुछ हो रहा है? नाराज है पूरा? नाराज नहीं है भाई, हम नाराज क्यों रहेंगे, लेकिन ये सब थोड़ा देखना चाहिए कि क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है बुरा ना। हाँ, जो मतलब कि जो सही है उसको सही बोलिए, जिसको जो गलत है उसको गलत बोलिए, क्या नहीं खत्म। माता जी आपकी खुश है कि नहीं सरकार से? सब खुश है भाई, 135 करोड़ की आबादी मारते करो, सब खुश होता, मेरी माँ क्या है उसमें, सब खुश है, हम भी खुश है, सब खुश होता, आप भी खुश, मस्ती वाला लाइफ है बस, अपना क्या
सुबह उठना है, जॉब जाना है, जॉब से हमें घर जाना है, घर जाकर खाने में सो जाना है। इसका क्या कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं, बस यही जीवन है जो सबका चल रहा, वही मेरा चल रहा। कुछ अलग नहीं करना है? अलग करना है, जब करना है, अभी नहीं ना। अभी नहीं, नाम क्या बताए थे? नीरज। नीरज, देखिए रात के रिपोर्टर में हम आपको दिखाए नीरज, हमें मिले थे, 25 साल के हैं, रास्ते में जा रहे थे तो हम सोचे कि क्यों ना बातचीत कर लें। देखिए पिता नहीं है इनके और फिर भी इतना मेहनत करते हैं, और क्या कुछ कह रहे थे जातीय जनगणना पे, जब हमने बोला कि बताइए जाति अपना, तो जाति बताए, जब हम कोड पूछे तो कुछ और ही कह रहे हैं, क्या कुछ कह रहे थे वो आपने सुन लिया। देखिए रात के रिपोर्टर में हम आपको दिखाए हैं कि एक शख्स किस तरह से परिवार चलाता है, जातीय जनगणना पे क्या बोला है, सरकार को क्या बोला है, और किस तरह से सुना है, आग बबूला क्यों था, वो भी आपने देख लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर पेज को लाइक करें, धन्यवाद।